ग्वालियर शहर में अब पेट्रोल पंप पर न सिर्फ डीजल और पेट्रोल मिलेगा बल्कि लोगों के लिए सुरक्षित स्थान भी मिलेगा। ग्वालियर पुलिस ने शुरुआती दौर में इंदरगंज कर सर्कल के 3 थानों की सीमा के अंतर्गत आने वाली लगभग 15 से अधिक पेट्रोल पंपों को इमरजेंसी सेंटर बनाया है, यानी कि पेट्रोल पंप में आपातकालीन आश्रय स्थल के रूप में तैयार किया गया है। बकायदा इसके लिए पुलिस और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बीच में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके लिए पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों और मैनेजर को ट्रेनिंग दी गई है ताकि किसी घटना, दुर्घटना या इमरजेंसी में तत्काल प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति को रिस्पांस मिलता रहे और उसकी उम्मीद भी लगती रहे। पुलिस इस पहल के जरिए सबसे अधिक फायदा महिलाओं को देने की तैयारियों में है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि महिला किसी बड़ी दिक्कत का सामना करती है और उसे तत्काल प्रभाव से मदद नहीं मिलती है। हाँ, एक एसपी सर के गाइडेंस से हम लोगों ने एक आपातकालीन आश्रय इमरजेंसी शेल्टर हर पेट्रोल पंप पे हम लोग स्थापित करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रायल बेसिस पे हम इंदरगंज सर्कल में, जहाँ पे आपकी इंदरगंज थाना, कंपू थाना, पराग थाना आता है, उस एरिया में जितने भी पेट्रोल पंप है लगभग 12 से 15 है, उन सब में हम लोग अभी बैनर लगाए हुए हैं और उनके पेट्रोल पंप के जो स्टाफ है उनसे हमारी बात हो चुकी है, उनके ओनर से बात हो चुकी है।